हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हमारे पास पानी है, खेती है, अच्छे पशुपालन है और अच्छा संगठन है, अच्छा प्रेम है, मिल के काम करते हैं और गांव को आबाद बनाते हैं। तीन साल के अकाल भी हम झेल लेते हैं और एक साल जब अच्छी बारिश होती है तो तीन साल तक कोई परेशानी नहीं आती है। तब चार चार किलोमीटर अपनी आंखों से दूसरे गांव देख सकते थे, बीच में पेड़ और घास नहीं थे। अच्छी बारिश हो तो भी ग्राउंड वाटर नहीं बनता था और अकाल पड़े तो भी वही स्थिति थी। धीरे धीरे तालाब बनाते गए, हमारी समझ बनती गई और सन 85 में आते आते हमने 40 गांव ऐसे तैयार कर लिए थे जो गांव की संस्कृति, गांव का जल, गांव का पर्यावरण, उस पर कोई स्कूल चलाएं, गांव के लोग गांव को पढ़ाएं और श्रमदान करें, तालाब बनाएं। ये गांव लापोड़िया की जमीन का जो ढाल है उसको समझते हुए हम लोगों ने पानी रोका। हमने पानी को अलग अलग जगह रोका है ताकि डाउन स्ट्रीम में प्रेशर नहीं आए और अप स्ट्रीम में पानी की कमी नहीं रहे। तो हमने जो तालाब बनाए, चौका सिस्टम बनाए, उससे पानी का वातावरण बना, नमीदार वातावरण बना।